यहाँ हमने 1 किलो ताजा नेनुआ को जो है अच्छी तरह से धो के फिर छील के कट कर लिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से नेनुआ का हमने जो है कट कर लिया है। तो आप सभी नेनुआ को अच्छी तरह से धो के छील के और कट कर लें। और इसका जो आलू का आकार है आप जो है पतला ही रखें। तो हमने 2 बड़े आकार के आलू लिए हैं और इसमें जो है अच्छे से धो के छील के कट कर लिया है। तो आज बनाने वाली हूँ नेनुआ और आलू का सब्जी, क्योंकि आज मुझे कुछ हेवी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं आज जो है दोपहर का लंच जो होता है उसमें खाने वाली हूँ दाल चावल और आलू नेनुआ का सब्जी। तो एक बार इस तरीके से आप डिश बनाएं और खाएं। तो आज मैं नेनुआ का सब्जी बनाने के लिए आलू नेनुआ का सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 चम्मच जो है सरसों का तेल लिया है। और इसमें जो है 5 फोरन जो है आप थोड़ा सा ले लें और गैस का फ्लेम कम रखें। तेज पत्ता है और यहाँ पर जो है मिर्च है, सूखी मिर्च जो है हमने लिया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा हींग जो है जरूर लें, यही जो है नेनुआ का सब्जी को जो है स्वाद को बढ़ाएगा। और आप यहाँ पर 1 प्याज ले लें और 1 कोटी जो है लहसुन जो है वो गोटा ही आप रखें और 2 जो है हरी मिर्च। इस तरीके से हमने जो है सभी को जो है फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे छोटी चम्मच से 1 चम्मच आप बस इसमें जो है मिर्च ले लें, मिर्च पाउडर। और ये नेनुआ का सब्जी है इसीलिए हल्दी को पहले ही फ्राई कर ले तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। यहाँ हमने हल्दी को पहले ही यहाँ फ्राई कर ली। और यहाँ सभी नेनुआ और आलू को इसमें आप मिक्स कर दें और इस तरीके से आप जो है सभी को मिला लें। यानी कि ये नेनुआ का जो सब्जी आप देख रहे हैं ये कितना झटपट बन रहा है और इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी लगेगा खाने में कि आप इसे जो है रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। और इसमें जो है ये है जो है गलता भी है, इसमें स्वाद अनुसार नमक दीजिए। हमने यहाँ 1 चम्मच यहाँ पर नमक दिया है। और जो है कश्मीरी मिर्च आप इसको जरूर डालें। एक बार इस तरीके से आप जो है बना के इसे खाएं। तो इससे आप जो है सब्जी और चावल भी खा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से आवाज हो रहा है, यानी कि इसमें अभी हम पानी नहीं दिए हैं। ये पानी जो है नेनुआ खुद छोड़ता है, इसीलिए ये किचन टिप्स है। जब भी आप जो है ऐसे तो कोई भी सब्जी आप लाए उसे धोकर ही काटें। और नेनुआ कद्दू क्या होता है कि हम लोगों को पहले धो के छील लेना चाहिए तभी काटना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमने उसी तरह से काटा है यहाँ पर। इस तरीके से आप जो है गैस का फ्लेम को मीडियम में करके और इसमें पानी बिल्कुल ना दें, इस तरीके से आप जो है इसे ढक दें। इसे ढक के कम से कम 5 मिनट तक आप जो है इसे छोड़ दें। बिल्कुल ही पानी इसमें नहीं डाला है और इसे मैं पहले धो के तभी कट की थी। यानी कि इसमें जो है ताजा नेनुआ रहेगा तो इसी से आपको पता चलता है कि ये नेनुआ ताजा है। अगर नेनुआ ताजा रहेगा तो पानी बहुत ही छोड़ेगा अपने आप। ये देखिए इसी का पानी में अगर आप जो है इसको बनाते हैं कि इतना स्वादिष्ट बनता है। एक बार आप जरूर इस तरीके बनाएं आप। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि नेनुआ में हड़बड़ी रहता है, कुछ पानी जो है पूरा डाल देते हैं तो पूरा स्वाद खराब हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी हमारा पानी इतना है कि जो आलू है ये अच्छी तरह सीज जाएगा, पक जाएगा। तो अभी हमारा आलू जो है वो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है एक बार जरूर बनाएं। और ये ऐसा सब्जी है कि इसे आप जो है जैसे कि मुझे आज हेवी खाने का मन नहीं है, फिर भी आप इसे जो है पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पूरी रोटी चावल के साथ अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं। यानी कि ये नेनुआ का सब्जी से लोग जो है 2 रोटी ज्यादा ही खाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है नेनुआ का सब्जी बनकर जो है एकदम तैयार हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि नेनुआ हमारा तरी वाला बना, यानी कि इसमें जो है ग्रेवी है। हमने मसाला उतना दिया नहीं है, हल्का सा दिया है, लेकिन ग्रेवी है। तो यहाँ पर आप सब्जी भात भी खा सकते हैं, यानी सब्जी चावल और पूरी
रोटी के साथ भी आप इसे जो है ग्रेवी के साथ जो है डुबा डुबा के आप खा सकते हैं। तो इस तरीके का आप जो है एक बार जरूर बनाएं। यहाँ पर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है आलू नेनुआ का सब्जी। और इस तरीके से एक बार आप आलू नेनुआ का सब्जी बनाएं और एक बार आप जरूर इसे जो है ट्राई करें और फिर बताएं कि आपको जो है नेनुआ का सब्जी जो है कैसा लगा। ये कुछ जो है नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से हमने बनाने का यहाँ पर कोशिश किया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाएं और घर पर आप खाएं और फिर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से जो है आलू और नेनुआ का सब्जी को जो है सर्व करें और फिर क्या, फिर यहाँ पर जो है आप खाएं और फिर बताएं कि आपको ये जो है कैसा लगा खाने में। तो इस तरीके से एक बार आप आलू और नेनुआ का सब्जी जरूर खाएं और बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसा लगता है। और इसमें आप जो है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक खीरा को जो है काट लिया है, अच्छी तरह से धो के छीलकर मोटे मोटे आकार में जो है काट लिया है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर दे रहे हैं दो खीरा को रखें और ज़रूरत है तो और रखें। इस तरीके से आप जो है, तो एक बार इस तरीके से आप जो है चावल आलू नेनुआ का सब्जी और यहाँ देख रहे हैं मोटे मोटे आकार में काट कर हमने जो खीरा रखा हुआ है और दाल भी है साथ में। तो आज हम लोग जो है दोपहर का लंच में इसी तरह से खाने वाले हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और आप आलू नेनुआ का सब्जी का मजा घर पर ले सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।